अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो आप मेरे पास सामने देख रहे हैं कि DSP ओरिजिनल मेरे पास कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 ईयर की इसकी वारंटी है। और कोड की बात की जाए तो मॉडल नंबर 2130 इसका कोड है। सिरेमिक कोटिंग है जो आपके बालों को डैमेज नहीं करता, ख़राब नहीं करता और बहुत ही ज़बरदस्त कर्लिंग है, स्टाइलिंग। और 180 mm इसकी रॉड जो लंबी है और ज़बरदस्त है। मैंने इसे ट्राई किया है और एक दो सलोन्स में भी ट्राई कराया है और हाईली रिकमेंडेड है। आप इसके साथ कोई भी स्टाइल बना सकते हैं और रीज़नेबल प्राइस में बेस्ट से बेस्ट कलर है और जो आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता और जलाता नहीं है। अक्सर कलर ऐसे होते हैं कि जो आपके बालों को बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं। बाद में आपके बाल नीचे से जल जाते हैं और जिसकी वजह से आपको नीचे से बाल काटने पड़ते हैं। ये देखिए जी, ये कर्लर है और लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपके बाल सिल्की हैं तो आप कोई भी थोड़ा सा स्प्रे यूज़ कर लें तो आपके बाल बहुत ही ज़बरदस्त कर्ल करेगा। ये जी स्विच मैंने आपको दिखा दिया है और इसकी जो वायर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इसे सलोन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जी ओरिजिनल की पहचान है, ये साथ इसकी कॉपी है और साथ में ये जी DSP की ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनके पास है। और ये जी कर्लर है, इनकी कॉपी कैटलॉग के अंदर है, 100% जेन्युइन और ओरिजिनल है। अगर आपको ये कर्लर चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएं, वरना मैंने नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ से भी जाकर भी इसे बाय कर सकते हैं। ये जी रॉड है, आप देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग है और ये इसकी वायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जी, अब मैं इसे आपको ऑन करके और इसका टेम्परेचर आपको बताती हूँ कि कितना इसका टेम्परेचर है। यहाँ से 3-2 दफ़ा आपने पुश करना है 10 सेकंड के लिए। तो ये जी, यहाँ से बटन दबाने से ये ऑन हो जाता है। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 850 इसका फॉरनेट टेम्परेचर है और बहुत हाई क्वालिटी में है। तो चलें जी, इसके साथ अब मैं आपको थोड़े से कर्ल करके दिखाती हूँ। बहुत स्मूथ है, मुझे ये बहुत पसंद आया पर्सनली। मुझे काफ़ी चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और ये मैंने सलोन्स में भी यूज़ करवाया, उन्होंने भी रिकमेंड कर दिया कि आप इसे सेल कर सकते हैं। DSP का ओरिजिनल कर्लर, अगर आपके बाल आपने डैमेज नहीं करने और आपको एक अच्छा कर्लर चाहिए तो ये कर्लर सिर्फ आपके लिए ही है। तो ये देखिए जी, इसने इतना खूबसूरत मेरे बालों के ऊपर कर्ल डाला है। ये देखें, ये कर्ल चेक करें, थोड़ा सा स्प्रे यूज कर लें ताकि आपके लॉन्ग कर्ल रहे। और लें जी फ्रेंड, ये आप रिज़ल्ट चेक करें कि फटाफट से ये कर्ल डाल रहा है, क्योंकि मैंने फुल स्पीड पे इसे किया हुआ है 850 पे। बालों को डैमेज भी नहीं करा, नीचे से रूट्स तक मेरे बाल जो हैं बिल्कुल फ्रेश हैं। और मैंने दूसरे पैटर्न से इस दफ़ा कर्ल किए हैं तो जिससे ये कर्लिंग का आजकल बहुत फैशन आया है। तो मैंने कहा चलें आपको ये कर्ल का स्टाइल भी आपको फुल करके दिखाया जाए। और चलें जी, अब जी फ्रेंड, सारे बालों के ऊपर कर्लिंग हो चुकी है और वेव्स वाली कर्ल की है। मैंने इधर से भी देखे और अगर आप इसके ऊपर हल्का हल्का कॉम कर लेंगी तो बड़े अच्छे वेव्स हो जाएंगे। लेकिन मैंने कोई स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं किया। बाल ऑलरेडी आजकल डाई के बाद बहुत सिल्की हो गए हैं, तो डाई के बाद बाल सिल्की होने की वजह से मुझे ये लग रहा है कि कर्ल मेरे खुल ना जाएँ, तो स्प्रे नहीं किया हुआ। इसलिए आप जो है थोड़ा सा स्प्रे यूज़ कर लीजिएगा। तो लें जी, अगर आपने कोई ड्रेस पहनना है तो उसके साथ अगर आप ये कर्लिंग का पैटर्न करें तो इस तरह से आपकी लुक आएगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।